जय श्री महाकाल। शास्त्र कहता है कि सामान्य दिनों की अपेक्षा चंद्र ग्रहण में किए गए दान पुण्य जप आदि से 1,00,000 गुना शुभ फल प्राप्त होता है, जबकि सूर्य ग्रहण के समय किए गए पुण्य कर्म से 10,00,000 गुना फल प्राप्त होता है। नहाने के जल में गंगा जल डालकर स्नान करने के पश्चात किए गए जप ध्यान साधना आदि का फल चंद्र ग्रहण में 1,00,000,000 गुना और सूर्य ग्रहण में किए गए पुण्य कर्म का 10,00,000,000 गुना फलदायी होता है। ग्रहण के समय गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र अथवा भगवान का नाम का जप भी किया जा सकता है, जिसकी सिद्धि हो जाती है। फिर उस सिद्धि का उपयोग हम किसी भी कार्य हेतु कर सकते हैं। ऐसा ना करने से मंत्र को मलिनता प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अपने जीवन के कष्टों को कम करना चाहते हैं, अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ग्रहण काल के समय अलग अलग साधनाओं को आगे भी लेकर आया जाएगा। चंद्रग्रहण के समय सरस्वती मंत्र की साधना से स्मरण शक्ति यानी कि आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है, जबकि लक्ष्मी मंत्र से आपकी बिजनेस में वृद्धि होती है। नारायण मंत्र से सरकारी नौकरी तो कंफर्म ही समझनी चाहिए। भगवान शिव या देवी की साधना से स्वयं के भूत भविष्य वर्तमान भी देखा जा सकता है। वैसे तो यह किसी भी देवी देवता के मंत्र से संभव हो सकता है। इतना ही नहीं, अपने अलावा किसी दूसरे का भविष्य भी इन साधनाओं से आप कर सकते हैं, जान सकते हैं। परंतु इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ग्रहण के समय दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए। ग्रहण के समय जो दूसरे का अन्न खाता है, 12 वर्षों तक उसके द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का फल दान देने वाले के को चला जाता है। भूकंप और ग्रहण के समय पृथ्वी को खोदना भी नहीं चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय एक बार मंत्र जपने से 1,00,000 बार मंत्र जपने का पुण्य फल प्राप्त होता है, इसलिए ग्रहण काल में साधना अवश्य कर लेनी चाहिए। धन्यवाद। लाइक और